वाटरशेड लाइन और एरियाज। बासु बासु मेरी बेटी, बासु को पानी बहुत पसंद है, हमेशा पानी से खेलती रहती है। बासु का दूसरा नाम ही पानी है, इसलिए वाटर, वाटरशेड लाइन से वाटर ले लिए, वाटर और बासु। दीज एरियाज आर कॉल्ड वाटरशेड एरियाज। नाउ व्हाट इज वाटरशेड एरियाज और वाटरशेड लाइन? वो लाइन जहाँ पे दो आर्टेरियल सप्लाई मीट कर रहे होते हैं, मिलते हैं, या हम लोग कह सकते हैं द लाइन हैविंग डबल आर्टेरियल सप्लाई और डबल वेनस ड्रेनेज, डबल लिम्फैटिक ड्रेनेज। ठीक है, सो दिस एरिया इज लास्ट टू बी नेक्रोस्ड, बट एज वेल एज इट हैज़ गॉट इंड आर्टेरियल सप्लाई। ये आर्टरी यहाँ इंड कर रही है, ऊपर से जो आ रही है यहाँ पे इंड कर रही है, नीचे से जा रही है यहाँ इंड कर रही है, तो इंड आर्टेरियल सप्लाई है, ख़त्म हो रहा है यहाँ पे आर्टरी। तो जहाँ ख़त्म हो रहा होता है वहाँ पे लुमेन बहुत छोटा हो जाता है, स्मॉल लुमेन। सो इट इज़ फर्स्ट टू बी अफेक्टेड बाई DIC, दैट इज़ द डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन ड्यू टू स्मॉल लुमेन। अब हम लोग बासु के ऊपर आ जाते हैं। बासु ब्रेन, ब्रेन में वाटर सेड एरिया है, वेयर द एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड द मिडिल सेरेब्रल आर्टरी मीट। ए फॉर एनल कैनाल एट द पेक्टिनेट लाइन, एस फॉर स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन वेयर द सुपीरियर एंड द इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी मीट। यू फॉर अम्बिलिकस, अम्बिलिकस में ऊपर से आ रहा है और नीचे से आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन अलॉन्ग द अम्बिलिकस, ऊपर से इंटरनल थोरैसिक एंड लैटरल थोरैसिक, फिर नीचे से यहाँ पे इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटरशेड एरियाज़।